vision. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महावीर जैन फ्रॉम डिवाइन एजुकेशन भिलवाड़ा. और आज हम बात करेंगे कि अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए जाते हैं, एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाते हैं, या कोई भी कोर्स के लिए अब्रॉड कंट्रीज जाते हैं, या स्पेशली अगर बेलारूस की बात करूं तो अगर बेलारूस जाते हैं तो आपको लगेज में क्या प्लान करना चाहिए ताकि आपको वहां जाने के बाद किसी भी तरह की दिक्कत ना आए. तो लगेज में किस किस तरह से आपको पैकिंग करनी है, अपने बैग्स को किस तरह से पैक करना है, आज हम उसके बारे में समझेंगे. सबसे पहले फ्रेंड्स, जब आपका टिकट आता है, जब आपका एयर टिकट बुक होता है, तो आपको उसके अंदर बैगेज चेक करना चाहिए कि कितना बैगेज आपको मिला है, क्योंकि हर एक फ्लाइट का अलग अलग बैगेज रहता है. मान लो कि आपने यूक्रेन की फ्लाइट ली है तो आपको उसमें अलग तरह से मिलेगा, आपको टर्किश ली है तो आपको बैगेज अलग मिलेगा, आपका इतिहाद ली है तो उसमें भी बैगेज अलग होता है, क्योंकि किसी में सिंगल बैग होता है उसमें मान लो कि 25 किलो का बैग मिला या 21 केजी का बैग मिला आपको, और सिंगल बैग ही मिला है. और बहुत सारी फ्लाइट ऐसी जैसे यूक्रेन में दो बैग मिल जाते हैं आपको, 23-23 के बैगेज मिल गए, तो दो बैग के हिसाब से आपको पैकिंग करनी है. तो टोटल उस कंडीशन में आपके पास 23-23 के दो हो जाएंगे, 46, और 7 केजी का आपको एक एक्स्ट्रा बैग मिलता है जो कैरी बैग होता है. तो हर एक फ्लाइट में अलग अलग होता है, तो इसको सबसे पहले आपको चेक करना है, उसके हिसाब से आपको अपनी पैकिंग प्लान करनी है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको प्लान करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए. तो उसके लिए सबसे पहले आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट जो भी हैं, 10th, 11th, 12th, TCCC माइग्रेशन और बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका ओरिजिनल पासपोर्ट विद वीजा, उसके अलावा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका ट्रेवल इंश्योरेंस, एयर टिकट, ये सारा आपके साथ होने चाहिए. जो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है, और देन आफ्टर वहां पे आपको बिल्कुल सेफली इसको रखना है और इसको लेमिनेट करके ले जाना है. जितने भी आपके 10th, 11th, 12th और आपका बर्थ सर्टिफिकेट और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, उन सबको आप लेमिनेट जरूर करा लें, क्योंकि वहां पे आपके पास पड़े रहेंगे तो वो फटने की या दूसरी इश्यूज रहते हैं, तो आप लेमिनेशन करा के ले जाए ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स हमेशा सेफ आपके पास रहें. और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलवेज होने चाहिए, क्योंकि हम फॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स हमको साथ में ले जाने हैं ताकि यहाँ पे कोई छूटे ना. तो अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल विद पासपोर्ट और एयर टिकट, और अगर आप डॉलर साथ में कैरी कर रहे हैं तो डॉलर का जो रिसिप्ट होता है वो भी आप साथ में कैरी करें. सेकंड फ्रेंड्स, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हमारे हो गए, तो सेकंड हमको जो प्लान लेना है क्लोथ्स में. क्लोथ्स में हमको जो प्लानिंग लेनी है वो इस तरह से लेनी है, अगर बॉयज है तो शर्ट, टी शर्ट और जींस और पेंट, ये सेलेक्टेड लें. 2-3 जींस, 2-3 पैंट और 2-3 शर्ट और बाकी 2-3 टी शर्ट. टी शर्ट्स भी आपको ज़्यादा नहीं लेने, क्योंकि टी शर्ट्स वगैरह सारे वहाँ मिल जाते हैं और इतने ही रेट में मिल जाते हैं, तो ज़्यादा क्लोथ्स नहीं लेना है. तो सिंपली आपको अप्रोक्सीमेट 2-3 पैंट्स, 2-3 जींस और 2-3 टी शर्ट और 2-3 शर्ट, ये आपको लेना है. इसके साथ आपको कोई फंक्शंस वगैरह के लिए भी साथ में एक अगर सूट आपका है, कोट पैंट है अगर आपके पास तो वो ले लीजिए, कुर्ता पजामा है तो वो ले लीजिए, और गर्ल्स के लिए भी जींस और टी शर्ट्स तो हैं, उसके साथ आप एक दो सूट ले सकते हैं अपने साथ, और एक साड़ी भी आप साथ में ले जाएं ताकि कोई भी फंक्शन हो तो वहां पे इंडियन कल्चर के रूप में अगर आप साड़ी वियर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा फंक्शन में. और इस तरह से ये क्लोथ्स आपको चाहिए होते हैं. और गर्ल्स के लिए स्पेशली ज़्यादा कुछ नहीं, जींस और टी शर्ट्स तो आप लेंगी, साथ में आप 1-3 सूट ले लें और एक साड़ी एक्स्ट्रा ले लें ताकि आपके लिए बेस्ट रहे. और उसके अलावा एप्रोन आपको साथ में लेने हैं, उसमें हाफ स्लीव्स भी लेना है और फुल स्लीव्स वाला एप्रोन भी, वाइट एप्रोन आपको साथ में ले जाना है ताकि वो आपके वहां पे काम आए. उसके अलावा विंटर क्लोथ्स जो है वो आपको 100% लेके जाने ही है, इसको पूरा अच्छे से पैक करना है. विंटर क्लोथ्स में आपको जैकेट्स ले जाने हैं, कम से कम 2 जैकेट आपको साथ में लेना है. उसके अलावा वुलन कैप, वुलन ग्लव्स, वुलन सॉक्स आपको साथ में लेने हैं, क्योंकि जाते पहले सितंबर में जब आप वहां जाते हैं तो वहां पर ठंड स्टार्ट हो जाती है, और उसके अलावा बेलारूस में थोड़ी ठंड इंडिया से ज्यादा पड़ती है, तो ठंड के लिए आपको जैकेट्स, वुलन के सारे आइटम आपको साथ में ले जाना जरूरी है. ये 100% आप अपने साथ में जरूर ले जाए.
उसके अलावा फ्रेंड्स फुटवेयर में आपको कम से कम एक दो शूज लेना है साथ में, जो फर वाला शूज अगर आपको यहां से मिल जाता है तो वो आप यहां से लेके चले जाएं, और अगर यहां से नहीं मिलता है तो फिर आप वो वहां से भी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जब हल्की स्नोफॉल होती है तो उसके अंदर आपको वूलन शूज मतलब जो फर वाले शूज होते हैं, जो एंकल शूज होते हैं, वो आपको चाहिए होते हैं ताकि थोड़े से लॉन्ग मिले। और सेकेंड चीज ये, उसके साथ आपको एक स्लीपर भी ले जानी है साथ में, जो आपके वॉशरूम वगैरह और इनमें या हॉस्टल में ही आपको काम आती रहे। और उसके अलावा एक शूज आपको बिल्कुल अच्छा ले जाना है, जो लाइट वेट हो, जो आपके लिए यूनिवर्सिटी के लिए यूजफुल हो सके, क्योंकि वुलन शूज काफी बार गंदे हो जाते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर गंदे शूज अलाउ नहीं होते, तो आपको एक शूज एक्स्ट्रा लेके जाना है, चाहे वो ब्लैक शूज ले जाए, व्हाइट शूज ले जाए, या आप कोई भी लाइट शूज ले सकते हैं, गर्ल्स के लिए भी इसी तरह से कोई लाइट शूज ले सकते हैं, ताकि आपको यूनिवर्सिटी के लिए वो काम आए। तो दो तरह, तो शूज लेने हैं, स्लीपर लेना है आपको साथ में, और अगर कोई सैंडल आप साथ में लेना चाहे तो वो एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं, बट ज्यादा वजन भी आपको नहीं ले जाना है। तो दो तरह के शूज, एक तो लॉन्ग वाला और एक नॉर्मल लाइट वेट और एक स्लीपर, ये आपको कम से कम साथ में ले जाना है। उसके अलावा रेनकोट भी अगर आप साथ में रख सकते हैं तो एक रेनकोट भी आप साथ में एक्स्ट्रा रख सकते हैं। मेडिसिन जो आपको ले जानी है, उसमें आपको मेडिसिन का एक किट जरूर आपको साथ में बना के ले जाना चाहिए। वैसे सब चीज वहां पे मिलती है, सारी मेडिसिन मिलती है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ से फर्स्ट एड तो कम से कम आपको साथ में ले जाना ही ले जाना है। उसके अंदर आपको जितनी भी तरह की टैबलेट्स है, मान लो कफ की, कोल्ड की, फीवर की, आपका स्टोमक की, और उसके अलावा जितनी भी पेन की हो गई, उसके अलावा अगर आपको डायबिटीज है या कोई दूसरा छोटा मोटा अगर कुछ है लाइट मेडिसिन जो आपके लिए यूजफुल है, तो वो आपको साथ में ले जानी है। उसके अलावा आपको फर्स्ट एड की जितना भी हो गया, जैसे डिटोल हो गया, ऊन हो गई, उसके अलावा आपको छोटी पट्टी हो गई, ये हल्का फुल्का जितना भी फर्स्ट एड का आइटम है वो आपको साथ में पैक करके ले जाना है। मेडिसिन की पूरी लिस्ट हमारी बनी हुई है, वो भी आप चाहे तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, वो मैं आपको लास्ट में पूरा उसका डिटेल दे दूंगा। तो मेडिसिन भी सारी आपको साथ में ले जानी है, कफ, कोल्ड और फीवर की और वॉमिट की, इस तरह की जो टैबलेट्स हैं जो रेगुलर यूज होती रहती है, कभी कभी छोटा मोटा हमको जरूरत पड़ जाती है, तो वो हमारे साथ ऑलवेज होनी चाहिए। तो वो यहाँ से आप साथ में फर्स्ट टाइम जाओगे, क्योंकि जाते पहले आप मेडिसिन वगैरह सारी चीजें परचेज नहीं करोगे, और मान लो कभी आपको जरूरत पड़ गई या कभी हेडेक हो गया या छोटा मोटा कुछ आपको जरूरत पड़ती है, तो वो आपके पास ऑलवेज अगर अवेलेबल है तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा एक थर्मामीटर भी आप साथ में ले जाएं, क्योंकि थर्मामीटर से आपके लिए इजी हो जाएगा कि अगर मान लो कभी बुखार आ गई तो आप खुद चेक कर सकते हो, तो छोटा फर्स्ट एड आपका तैयार आपके साथ होना चाहिए। उसके अलावा स्टडी मटेरियल के आइटम भी आपके पास होने चाहिए, जैसे मान लो कि आप यहाँ से एक एक पेन का पैकेट ले जाएं, पेंसिल, रबर, शार्पनर, और उसके अलावा आपका नोटबुक होगी, 100 से 200 पेज वाली नोटबुक आप साथ में ले जाएं, ताकि जाते पहले आपको कुछ भी परचेज नहीं करना पड़ेगा, वो सारे आइटम आपके पास होंगे। तो स्टडी से रिलेटेड जितने भी आइटम है वो भी आप साथ में ले जाएं, एक मार्कर का वाला हो गया, ये छोटा मोटा जो स्टडी किट है वो भी आप एक छोटा किट बना लें, जिसमें आपका पेन, पेंसिल, ये सारा आइटम आप अपना फर्स्ट टाइम का आप साथ में ले जाएं। उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो सब कुछ वहां पे भी मिलता है, लेकिन फर्स्ट टाइम का आप पूरा किट अपना स्टडी मटेरियल का भी तैयार करके ले जाएं। उसके अलावा 1 से 2 रेफरेंस बुक्स भी आप साथ में ले जाएं, जैसे एनाटॉमी की बुक हो गई, मैं आपको सभी तरह की दालें ले जानी है, उसके अलावा सभी तरह की जितने भी मसाले हो गए वो आपको ले जाने हैं, उसके अलावा जैसे मान लो दाल होगी तो 3 kg के अप्रोक्स आप दाल ले जाइए, 2 kg, 3 kg आप सारी तरह के मसाले ले जाइए। एटलीस्ट आपको 1 ईयर के हिसाब से प्लान करके चलना है कि 1 ईयर में आपको कितना जरूरत है, उसके हिसाब से आपको ये पैक करना है। मिनिमम जितना आपको चाहिए होता है उतना आप एटलीस्ट पैक करके ले जाए 1 ईयर का। सभी चीजें वहां मिलती है, लेकिन फिर भी मसाले और दालें इजिली जो रेट में हमारे यहाँ मिल पाती है उतनी रेट में वहां पे नहीं मिल पाती है, मसाले थोड़े महंगे पड़ते हैं, तो मसाले वगैरह आप यहाँ से कैरी करके ले जाए तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मसाले हो गई, उसके अलावा 1-1 kg के आप ये भी ले जा सकते हैं, बेसन हो गया, सूजी हो गया, 1-1 kg के ये आप थोड़ा थोड़ा आइटम साथ में ले लें। उसके अलावा नमक का 1 थैली हो गया, तो इस तरह का आइटम जो जो भी है आपको वो सारे आइटम भी आप थोड़े से पैक कर लें। उसके अलावा चावल वगैरह, शुगर वगैरह सारा वहां मिलता है, बट 1-1 kg का आप जो भी पैक करना चाहें, तो खाने का आइटम भी एटलीस्ट आप कम से कम जितना पैक कर सकते हैं उतना आप जरूर पैक करके ले जाएं।
उसके अलावा यूटेंसिल्स में अगर हम बात करें तो आपको जो प्रेशर कुकर है, छोटा कुकर जो होता है जिसमें आप दाल वगैरह और ये सारी चीज बना सकते हो, सब्जी वगैरह बना सकते हो, तो छोटा कुकर, फ्राइंग पैन, उसके अलावा आपको चकला बेलन ताकि आप रोटी वगैरह बनाना है तो वो उसके ऊपर बना सकते हो, उसके अलावा आपको जो अपना थाली कटोरी और जो बाउल है, बाउल और गिलास और एक चाय कॉफी का कप, जो एक एक आइटम आपको लेके जाना है, इससे ज्यादा आपको आइटम नहीं लेके जाने हैं, बट ये जो नेसेसरी आइटम होते हैं जिसमें आप आराम से अपना खाना लेके खा सकते हैं या खाना बनाने में आपको पूरी हेल्प इसके थ्रू हो सकती है, बाकी गैस वगैरह सारा वहां मिलता है, तो ये आपको साथ में ले जाना है, कुकर जरूर ले जाना है, उसके अलावा फ्राइंग पैन हो गया, चाय कॉफी बनाने के लिए हो गया, तो ये छोटे मोटे आइटम आपको खाने पीने के भी बनाने के लिए भी जो सामान चाहिए होते हैं वो आपको साथ में लेना जरूर लेना है। उसके अलावा कॉस्मेटिक आइटम जितने भी हैं वो भी आपको एक किट उसका जरूर बनाना है, बॉयज अगर हैं तो शेविंग किट भी आपको साथ में लेना है, उसके अलावा आपका एक क्रीम, कोल्ड क्रीम हो गया, आप पाउडर हो गया, आपको टूथब्रश हो गया, पेस्ट हो गया, ये छोटे मोटे आइटम जो आपको डेली यूज में चाहिए वो भी आप एक एक पीस जरूर साथ में लेके जाएं, उसके अलावा जो भी चाहिए सब मिलता है वहां पे, लेकिन फर्स्ट किट आप अगर यहाँ से बना के ले जाएंगे तो पूरा अपना एक किट जरूर बना के ले जाएं, गर्ल्स के लिए अगर जो भी आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो आप पूरा किट बना लें कि डेली यूज में आपको क्या क्या आइटम काम आते हैं, बट कम से कम ऐसा नहीं कि गर्ल्स पूरा पूरा भर लें उस चीज को, तो पूरा ऐसा नहीं है, बट आप जो 100% आपको जरूरत के सामान है वो आपको साथ में इसके साथ जरूर ले जाने हैं, क्योंकि टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया और आपका आपका क्रीम हो गया, ये सारी चीजें आपको डेली आपको मान लो परफ्यूम हो गया, डीओ हो गया, एक एक पीस आप उसमें डाल लें, छोटा सा किट बना लें, वो आपको काम आएगा, और शुरुआत में जाते ही पहले फर्स्ट डे ही आपको जो जो भी चीज की जरूरत होती है तो ऐसा नहीं कि हम बाजार से परचेस करके लाएंगे, और वैसे हम फर्स्ट डे ही बाजार चले जाते हैं, सेकंड डे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक एक आइटम, क्योंकि हो सकता है आपको जिस तरह का परफ्यूम पसंद हो वो परफ्यूम वहां ना मिले, डीओ जो पसंद हो वो डीओ आपको वहां नहीं मिले, कंपनी दूसरी मिले, तो आप एक एक पीस अपना साथ में जरूर ले जाएं। तो फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि आपको जो लगेज पैकिंग करना है वो किस किस तरह से करना है, और सबसे पहले लगेज के लिए जो बैग है वो आपको ट्रेवल बैग ही लेना है, बड़ा बैग ही लेना है ताकि आपके उसके अंदर अच्छे से आपके सामान आ सके, मिनिमम 25 केजी का आपको लेना है, फर्स्ट बैग एक आप प्लान करके चले 25 केजी का, उसके बाद जब टिकट आ जाए तो आप सेकंड बैग परचेस करें कि किस तरह का आपको लेना है, और फ्रेंड्स कभी भी ज्यादा लगेज नहीं ले जाना है, जितना बैगेज आपको मिला हुआ है फ्लाइट में उतना ही बैगेज आपको ले जाना है, क्योंकि अगर आधा एक किलो ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा, लेकिन 2 kg भी अगर आपका एक्स्ट्रा हो गया तो वो वहां पे आपका निकाल देंगे, तो कोई भी अननेसेसरी आइटम आपको नहीं लेके जाना है, लेकिन जो आपके डेली यूजेबल आइटम है उसकी आपको पूरी लिस्ट पीडीएफ फाइल आप मेरा जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आप मैसेज कर दें, आपको पूरा लिस्ट कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें से आप क्या क्या हटाना चाहते हैं और क्या क्या ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हमने जो लिस्ट लिखी है उसमें से 2 आइटम आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए जो आपके डेली लाइफ में काम आते हैं तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ये सिर्फ सजेस्टिव लिस्ट है ताकि आप इसके थ्रू अपना पैकिंग प्रॉपर कर सकते हैं, बाकी जो भी आपको एक्स्ट्रा सामान चाहिए वो आपको जरूर ले जाना चाहिए, लेकिन पैकिंग से पहले आप पूरा लिस्ट आउट कर लें कि आपको क्या क्या सामान चाहिए, उसी हिसाब से आप मार्केट से परचेस करके लाएं, और कोई भी अननेसेसरी आइटम भी आप ज्यादा परचेस करके नहीं लाएं, और एक एक दो दो पीस से ज्यादा आप परचेस करके ना लाएं, एक एक मैं तो कहता हूं आपको एक एक आइटम से ज्यादा आप परचेस करके नहीं लाएं, क्योंकि आपको ये चाहिए कि 1 साल का आइटम एटलीस्ट चाहिए, और वैसे कोई दिक्कत नहीं है अगर बाद में भी आपको चाहिए कोई आइटम आपको इंडिया से चाहिए तो आप यहां से कुरियर भी लगवा सकते हो, तो 15 दिन के अंदर हमारे बेलारूस हमारा हॉस्टल में कुरियर पहुंच जाता है, उसमें आप 10 kg 15 kg बाद में भी वेट भेज सकते हो, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो और अगर आपके पास मान लो कि 23 के 2 बैग हैं और 7 kg का 1 बैग है तो आप आराम से अपना सारा सामान जितना भी मैंने आपको बोला है वो सारा आप रख सकते हो, और क्लोथ्स कम से कम रखना है, ऐसा नहीं कि आपने 10 जीन्स रख ली, 15 जीन्स रख ली, ऐसा नहीं, आप 2 से 3 जीन्स, 2 से 3 पैंट और 2-3 टी शर्ट और 2-3 शर्ट्स,
इस तरह से प्लान करके ले जाओ। बाकी अगर आपको कुछ परचेस करना हो तो वहां पे आपको मिलते हैं, बड़े से बड़े मॉल्स हैं और शॉपिंग सेंटर्स हैं, आपको जो चाहिए वो सारा मिलता है, इसलिए आप किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ले। जो क्लोथ्स हो सकता है आपको यहाँ से ज्यादा अच्छे वहाँ के क्लोथ्स लगे, और वहां पे कुछ ठंड ज्यादा पड़ती है तो वुलन के हिसाब से भी आपको क्लोथ्स लेने होते हैं, तो कुछ क्लोथ्स आप वहां से भी परचेस कर सकते हो। और फ्रेंड्स मेरा नंबर है 9929570139, आप इस नंबर पे भी मैसेज लिख के डाल सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ फाइल जो है हमारी वो पूरी आपको भेज दूंगा, ताकि आप उस हिसाब से आप पूरा अपना कर लें। क्योंकि अभी मैंने वीडियो में जितनी भी चीजें बताई, हो सकता है उसमें दो चीजें मैंने कम बताई हो, और क्योंकि रनिंग वीडियो है तो हो सकता है दो आइटम मैंने आपको कम बताया, तो आप मेरे से पीडीएफ फाइल ले सकते हो, ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपको लगेज में क्या क्या पैकिंग करना है। तो फ्रेंड्स अगर 2019 के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेज हैं आपको, और नीट 2019 के लिए भी बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक। और अगर 2019 के लिए एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप एनी टाइम मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारा ऑफिस भिलवाड़ा में है, आप हमारे ऑफिस आके भी मिल सकते हैं। उसके अलावा आप टेलीफोनिकली बात कर सकते हैं, और इसके अलावा राजस्थान की हर सिटी में तो हमारे सेमिनार होते ही हैं। उसके अलावा अगर राजस्थान के बाहर से अगर आप हैं और आपको कोई भी रिक्वायरमेंट, तो आप एनी टाइम मुझे कॉल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मिलना भी है तो हमारा दिल्ली में भी ऑफिस है, हम दिल्ली भी आपसे मिल सकते हैं, और राजस्थान में भिलवाड़ा हमारा ऑफिस है तो यहाँ पे भी हम मिल सकते हैं। तो मैं अपना नंबर फिर से बता रहा हूँ, 9929570139, ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। तो फ्रेंड्स गुड बाय और थैंक यू, और कोई भी रिक्वायरमेंट हो एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इंडिया के लिए भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझसे जरूर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।